Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. तू यार एपिसोड के स्टार्ट में एक बंदा आता है और वो बोलता है कि तुम ही आखिरी बचे हुए हो, मैं तुम्हें ख़त्म करके रख दूंगा। वो बंदा बेसिकली टेरू से बोल रहा है और वो टेरू को अंडरएस्टिमेट कर रहा है, और उसके बाद वो टेरू पे अटैक करने जाता है। लेकिन टेरू के बगल में जो चिंगू मिंगू है वो सब अपनी पावर से थोड़ा सा टेरू को इम्प्रेस करते हैं, और टेरू उस बंदे को आराम से डिफीट करता है। और टेरू उसके बाद बोलता है कि तुम दोनों की पावर काफ़ी अच्छी हो गई है। तो वो दोनों बंदे बोलते हैं कि थैंक्स टू यू, आपकी वजह से। और उसके बाद टेरू बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्लैक और वाले बंदे, और अब हमें क्या करना है। तो उसके बाद ये बंदा जो कि लाइक किया था टेरू के साथ, तो वो बोलता है कि सब मेरी वजह से है, मतलब कि मेरी वजह से तुम लोग बचे हो। तो उसके बाद मतलब कि टेरू पता करता है कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा है, लेकिन एक बंदा बताता है कि नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहा है। तो उसके बाद टेरू बोलता है कि रीगन ने बोला है कि हम अटैक नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी सिटी को वापस जरूर लेंगे। और इसके बाद देखते हैं कि यार हम लोग को प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, क्लॉ के, ना कि वो असली वाला प्रेसिडेंट। तो क्लॉ के लीडर को हम लोग को देखने को मिलता है, और क्लॉ के लीडर बोलता है कि अब इसे ख़त्म करने का वक्त आ गया है। और अगले सीन में देखते हैं कि रीसो बोलता है कि चलो इसे ख़त्म करें। तो सो बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा मुझसे अच्छे से बात क्यों करने लगे। तो रित्सु बोलता है कि तुम मेरे एक दोस्त हो, और तुम अगर मुसीबत में रहोगे तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। और यह यही देखने को मिलता है। और उसके बाद बोलता है कि रित्सु चलो ठीक है। और उसके बाद हम लोग वो टेलीपोर्ट वाला बंदा देखने को मिलता है। तो रित्सु बोलता है कि तुम आगे जाओ, मैं इससे निपटता हूँ। तो शो बोलता है कि नहीं यार, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तुम नहीं निपट पाओगे। तो रित्सु बोलता है तुम जाओ और तुम अपने अटैक को डिफीट करो। तो तभी जो वो टेलीपोर्ट वाला बंदा रहता है वो रित्सु पे करने लगता है अटैक शुरू, और जो रित्सु रहता है वो कई हद तक तो उसके अटैक को डिफीट करने की कोशिश करता है, लेकिन आपको पता ही है कि रित्सु कुछ भी नहीं है। और उसके बाद देखते हैं कि वो जो टेलीपोर्ट मतलब करने वाला बंदा रहता है वो उसे रित्सु को ऊपर से नीचे बहुत ज़्यादा पीटता है। और अगले सीन में हम लोग को शो को देखने को मिलता है जो कि आगे बढ़ रहा है, और तभी उसे वो एक ऐसा टेलीपैथी वाला मिलता है जो कि मशीन्स को कंट्रोल कर सकता है। तो वो तो उसे आराम से ले लेता है, सो उसे ख़त्म कर देता है। फिर वो फिर आगे बढ़ता है। फिर अगले सीन में हमें मॉब को दिखाया जाता है, जहाँ पे मॉब बोलता है कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि दो तिन बंदे आते हैं जो कि आर्टिफिशियल साइकिक यूज़र हैं। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और मॉब को उसे आसमान में उड़ाते हैं। फिर मॉब बोलता है कि हे तुमने सामान को पे नहीं किया है ना, तो तुमने अगर पे नहीं किया तो उसे अपनी उसी उसकी जगह पे रख दो। तो उसके बाद वो सब बोलते हैं कि तुम मजाक कर रहे हो, ये प्लेस अब हम लोग की हो गई है। और उसके बाद देखते हैं कि मॉब बोलता है कि अपने पावर्स को तुम दूसरे पे नहीं यूज़ कर सकते, और अपने लालच के लिए तो बिल्कुल भी अपने पावर को नहीं यूज़ कर सकते। और दूसरी और सबसे पहली बात और सबसे ख़तरनाक बात कि अपने पावर्स को तुम किसी भी वीक बंदे या फिर किसी अदर्स के सामने नहीं यूज़ कर सकते। डिम्पल को लगता है कि अब मॉब गर्मा चुका है, तो यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। और तभी वो पेड़ पौधा वाला बंदा आता है, और आता है कि वो मॉब पे अटैक करना शुरू कर देता है। और फिर अगले सीन में देखते हैं कि वो बोलता है कि चल देखते हैं तेरे अंदर कितनी ताकत है। और उसके बाद देखते हैं कि जो मॉब रहता है वो बोलता है कि तुम्हें सच में पेड़ नहीं पसंद है ना। और उसके बाद देखते हैं कि जो मॉब रहता है वो अटैक करने से आता है उस पेड़ पौधे वाले बंदों पे, लेकिन और भी वो जो साइकिक चुन्नू मुन्नू हैं वो सब भी अटैक कर रहे हैं मॉब के ऊपर, और मॉब को थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बस मॉब थोड़ा सा सर में मतलब कि नरमी दिखा रहा है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि ये जो टेलीपोर्ट वाला बंदा है वो बोलता है कि तुम हार मान लो वरना मैं तुम्हें ख़त्म करके रख दूंगा। तो रित्सु बोलता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लड़ता रहूंगा अपने आखिरी सांसों की तरफ। तब अगले सीन में देखते हैं कि तभी जो टेलीपोर्ट वाला बंदा रहता है उसे पहली बार किसी ने मारा है, और मारा है उसने इसको मारा है कोयामा ने। और कोयामा को देखने के बाद वो देखता है कि दो तीन मतलब कि उसके पुराने HQ के मेंबर्स मिलके अब अटैक करने वाले हैं इस पहले ऊपर टेलीपोर्ट वाले बंदे के ऊपर, और टेरू भी आ चुका है, यानी कि अब मामला यहाँ का सही हो गया है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि अब जहाँ पे जो टेलीपोर्ट वाला बंदा रहता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम लोग को आराम से ख़त्म कर सकता हूँ। और उसके बाद देखते हैं कि सभी मिलकर अटैक कर रहे हैं
और तभी यह ब्लैक ओप वाला बंदा भी हम लोग को देखने को मिलता है फाइट में, जो कि अपनी पूरी फुल पावर के साथ अटैक कर रहा है। और अगले सीन में जो मॉब है वो बोलता है कि मैं इसे लड़ूं कि नहीं, और यही सोचने पे मॉब अपनी पावर्स को यूज़ करना बंद कर देता है। फिर अगले सीन में हम लोग को भूत राजा को दिखाया जाता है। जी हाँ, ये जब भी अपने कैप्सूल से कुछ भी निकालता है उसमें से भूत निकलता है, लेकिन वो गिर जाता है और तभी उसके कैप्सूल से वो एक ऐसी आत्मा निकल जाती है जिसको शायद आपको पता ही होगा। जी हाँ, वही आत्मा जो अपनी मॉम को नहीं बचा पाता है और वो खुद सुसाइड कर लेता है, जो कि मॉब से भी ज़्यादा पावरफुल है मेरे हिसाब से। जी हाँ, मोगोमी। और मोगोमी आते ही उन लुच्चे पुच्चों को एक सेकंड में ख़त्म कर देता है, और उसके बाद वो पेड़ पौधे वाले आदमी को पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अब खा जाऊँगा। तो मॉब बोलता है कि प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, वो अच्छा इंसान है, वो बदल सकता है। तो वो आदमी बोलता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता, ये तुम्हें धोखा दे देंगे। तो मॉब बोलता है कि नहीं, सबको बदलने का एक चांस मिलना चाहिए। तो मोगोमी बोलता है चलो मॉब, मैं तुम्हारे काइंडनेस की वजह से मैं इसे छोड़ रहा हूँ। और हाँ मॉब, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगा कि तुम थोड़ा सा रूड भी हो पीपल के सामने। तो अगले सीन में देखते हैं कि मोगोमी वहाँ से चला जाता है। फिर सो बात कर रहा है अपने डैड से और बोलता है कि आपने जो किया है उसे बंद कर दीजिए डैड, अब मैं आपको रोकने आ गया हूँ। और उसके बाद देखते हैं कि शो अटैक करने जाता है, लेकिन उसके डैड ने पहले से ही एक बैरियर बना रखा है, तो उसे अटैक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और अगले सीन में देखते हैं कि जो सो रहता है वो एक तगड़ा अटैक करता है, लेकिन उसके बावजूद भी सो को लगता है कि उसने कर दिखाया, लेकिन नहीं, अम्ब्रेला मैन ने उसे बचा लिया है, उसके डैड को। और ये बंदा सच में अभी इसकी ट्रू एबिलिटीज़ नहीं देखने को मिली है, लेकिन अगले एपिसोड में मिल जाएगी। फिर अगले सीन में देखते हैं कि जो आदमी है मतलब कि क्लॉ का लीडर, वो बोलता है कि मैं इस पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रांग साइकिक बंदा हूँ और मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। मॉब से लड़ने ब्रो, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि वो बोलता है कि मेरी 20 साल की जर्नी में मैंने जितने भी साइकिक से लड़ा है मैंने उसकी पावर एब्जॉर्ब कर ली है और अब मुझे रोकना नामुमकिन हो गया है। और अगले सीन में ये जो टेलीपोर्ट वाला बंदा रहता है वो सबकी बहुत बुरी तरह से मार चुका है, मतलब कि HQ के सारे मेम्बर्स को वो अकेले सिंगल हैंडली डिफीट कर रहा है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि अब वो टेरू के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है और टेरू भी डॉज करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और तभी देखते हैं कि जो टेलीपोर्ट वाला बंदा है वो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया है और वो रित्सु के ऊपर अटैक पर अटैक करते जा रहा है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि जो रित्सु रहता है वो कैसे करके मतलब रित्सु समझ गया उसके अटैक मूव्स को कि वो कहाँ कहाँ पर टेलीपोर्ट हो रहा है, तो रित्सु अब समझ गया है उसके मूव्स को, तो वो अब उस पर अटैक कर रहा है एकदम ईजिली। और अब टेलीपोर्ट वाले बंदे को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। और अब अगले सीन में देखते हैं कि सब फिर से आ गए हैं और तभी जो कोयामा रहता है वो रेडी हो जाता है और तभी हम लोगों को देखने को मिलता है ये ब्लैक एंड व्हाइट वाले बाल वाले जो धोखा देता है बार बार, वो अच्छे से बीम फेंकता है और उसके बाद कोयामा का गिरता है सुपरमैन पंच और जो टेलीपोर्ट वाला बंदा रहता है वो जमीन पर जाके गिरता है फड़ाम से। फिर अगले सीन में देखते हैं कि जो टेलीपोर्ट वाला बंदा है वो बोलता है कि अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और अब वो बोलता है कि मैं तुम लोग को दिखाऊंगा अपनी असली ताकत, और वो सबकी ले लेता है। फिर अगले सीन में आता है मॉब और टेरू बोलता है कि ये है मेरा दोस्त और ये तुम्हें सबक सिखाएगा, और मॉब बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया। और तभी अचानक से रिगन आता है और वो अपना देता है स्पेशल मूव जिसका नाम है सेल्फ डिफ्यूज रस। ये है मॉब का एक, ये है रिगन का एक तगड़ा वाला स्पेशल मूव जिससे वो बहुत घुसे मारता है। और उसके बाद देखते हैं कि टेलीपोर्ट वाला बंदा बोलता है कि यार ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है, मैं इसे महसूस तक नहीं कर पाया, क्या ये है इन सब का लीडर, ओह शिट। और उसके बाद देखते हैं कि ये जो टेलीपोर्ट वाला बंदा है वो हार मान लेता है और बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मैं हार मानता हूँ। और उसके बाद देखते हैं कि मॉब रित्सु से मिलता है और रित्सु बोलता है कि मॉब एंड डैड बहुत सही हैं। और उसके बाद मॉब मतलब कि वो टेलीपोर्ट वाला बंदा भाग चुका है क्योंकि इसकी फट चुकी है। तो अगले सीन में देखते हैं कि अब मॉब बोलता है कि मैं अब अकेले उनसे उससे लड़ने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं तुम लोग के साथ गया तो तुम सब और ज़्यादा इंजर्ड हो जाओगे, तो तुम सब अच्छा होगा कि यहीं रहो। और रिगन बोलता है कि डिम्पल तुम भी उसके साथ जाओ। और इसी के साथ मॉब साइको 100 का एपिसोड नंबर 23 खत्म हो जाता है। We'll be right back.